आर्मी चीफ की तकरीरी वजीर आजम इमरान खान का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी कानून के मुताबिक है। वजीर आजम के मशवरे पर सदर ने तौसी दी तो कोई कानूनी कबाहत नहीं। काबीना में कितने अराकीन ने हिमायत की या नहीं, ये बात अहमियत नहीं रखती। मशवरा देना प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का उस पर पाबंदी से अमल करना, और ये बात करना कि कैबिनेट में इतने इधर फैसला दिया, इतनों ने इधर फैसला दिया, ये अदालत मजाज नहीं, ये आर्टिकल 48 के तहत। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नई समरी मंजूर। वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में तमाम अरकान ने समरी मुत्तफिका तौर पर मंजूर की। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने पर वजीर आजम ने वजीर कानून फरूग नसीम पर बरहमी का इजहार किया। काबीना के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने का मामला छाया रहा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नई समरी पेश की गयी, जिसे वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने नोटिफिकेशन मुअत्तल होने पर वजीर कानून फरूग नसीम पर हमी का इजहार किया और कहा कि जब आर्मी चीफ की तौसी का मामला तय हो चुका था तो वजारत कानून ने कानूनी लवाजमात पूरे क्यों नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। ये नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तौसी दी गयी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौकफ इख्तियार किया कि वजीर आजम को तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इख्तियार ही नहीं, ये तो सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक है।